जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, आप लोग आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, सुबह सुबह ऑफिस भागने की जल्दबाजी में हम कुछ भी खाली पेट खाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। क्या आप जानते हैं आपकी ये आदत आपकी सेहत पर कितनी भारी पड़ सकती है? हालिया शोध में अब इस बात को साबित भी कर दिया गया है। आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। नंबर एक, मसालेदार खाना। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कभी भी स्पाइसी या बहुत मिर्च वाली चीजों से आपको बचना चाहिए, यानी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे दिन पेट में एसिडिटी बनती है और यह अल्सर की वजह भी बन सकता है। नंबर दो है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक्स, खासतौर पर कोल्ड ड्रिंक्स, आप कभी भी खाली पेट भूल कर भी ना लीजिए, क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में कार्बोनेट एसिड होता है। यह पेट के एसिड से मिलकर गंभीर परेशानियों का कारण भी बन जाता है। इसके अलावा आपको गैस और उल्टी की समस्या भी झेलनी पड़ सकती है। नंबर तीन है ठंडे पेय पदार्थ। जी हाँ, खाली पेट गलती से भी ठंडे पेय पदार्थ, जिन्हें हम कोल्ड बेवरेज कहते हैं, उनको कभी नहीं पीना चाहिए, जैसे कि कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि। ये आपके पेट के मुकस मेम्ब्रेन यानी कि पेट की उस झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो पाचन क्रिया में मददगार होती है। खाली पेट पेय पीने से डाइजेशन धीमा हो जाता है। इसकी जगह आप गर्म टी या हल्का गर्म पानी पीकर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खट्टे पल से आपको तौबा करना चाहिए सुबह सुबह। जी हाँ, खाली पेट कभी भी भूल से आपको खट्टे फल नहीं खाने चाहिए, जैसे कि संतरा, नींबू, अमरूद, क्योंकि ये खाली पेट अगर आप इनको खाएंगे तो इनसे एसिडिटी आपको बन सकती है। ये बात ठीक है कि इससे आपको फाइबर और फ्रुक्टोज भी मिलेगा, लेकिन इससे आपका पाचन तंत्र भी धीमा हो जाएगा, इसलिए इन्हें खाली पेट भूल कर भी ना खाएं। अगले चरण की ओर हम बढ़ते हैं, आगे कॉफी। देखिए, कॉफी को कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। अगर आप पियेंगे तो ये आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है, इसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है। दरअसल कॉफी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव को रोकता है, इसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक चलता है और गैस्ट्रिक की समस्या रहने लगती है। जीवन मंत्रा में बस आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।